आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रीजा के BXi वेरिएंट के बारे में, जो कि सेकंड बेस मॉडल रहने वाला है। इस वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इसका आगे फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो आपको हेलोजन में रहने वाले हैं, और इंडिकेटर में दिया जाएगा आपको बल्ब। और ये इसका आगे ग्रिल क्रोम मिल जाएगा आपको, बीच में सुजुकी का लोगो, और बीच में आपको ग्रे फिनिश दी गई। और फॉग लैंप इसका आगे BXi वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। और ये इसका आगे साइड प्रोफाइल 16 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर, और इनसे ऊपर की साइड मिल जाएगी आपको इसका में क्लैडिंग जो कि पूरी बॉडी पर रहने वाली है। और ये रहा इस कार का ORBM, और इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORBM पे मिल जाएगा। ORBM आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहने वाला है इस कार का ORBM। और डोर हैंडल होगा बॉडी कलर के। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, LED टेल लाइट ऑन होने के बाद इस कार की बैक प्रोफाइल काफी बढ़िया लगती है देखने में। और ऊपर की साइड मिल जाएगा आपको साफ फील्ड एंटीना, और रियर में स्पॉइलर, हाइड मोड स्टॉप लैंप, और रियर डिफोगर मिल जाएगा आपको इसमें, और LED टेल लाइट, इंडिकेटर, और बैक लाइट में हो गया बल्ब, सुजुकी का हो गया लोगो, ब्रीजा की होगी ब्रेजिंग, रिफ्लेक्टर्स, और नीचे की साइड आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो ये था इस कार का एक्सटीरियर लुक। अगर आपको इस कार का एक्स शोरूम प्राइस जानना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सिटी में इस कार का एक्स शोरूम प्राइस बता दूंगा। तो चलिए मैं इस कार का आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, क्या क्या ऑफर किया जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। तो डोर आपको ब्लैक कलर का दिया जाएगा, डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस कार के, और भी उनके कंट्रोल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, चार बार विंडो कंट्रोल लॉक अनलॉक के लिए, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और स्पीकर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा आपको इसमें, और रिक्लाइन करने का ही मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का बैक डोर, पावर विंडो, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और वाटर बॉटल के लिए स्पेस और स्पीकर मिल जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहने वाला है इस कार का इंटीरियर, वो पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है। यहाँ पर आपको इस कार के डैशबोर्ड में ग्रे फिनिश मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, और इस कार के स्टीयरिंग व्हील पर आपको स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल मिल जाएंगे, और बीच में मिल जाएगा आपको सुजुकी का लोगो। और ये रहा कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, और RPM मीटर, स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको इसमें एनालॉग, और बीच में मिल जाएगी आपको एक छोटे साइज की MID जिसमें आपको फ्यूल का और टेम्परेचर का पता चलता रहेगा, और कुछ इसमें आपको अलर्ट लाइट दी गई है। और ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी साइड में। और ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, और 7 इंच का आपको इस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड, एप्पल और CarPlay के साथ। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलती है। अगर आप अपर वेरिएंट लेते हैं तो इससे यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर मिल जाएंगे AC वेंट, हजार लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है आपको इसमें, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, थोड़ा सा स्पेस, और 5G मैनुअल ट्रांसमीटर में रहती है का कुछ इस तरह का गियर नोब देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिलने वाली है, कप होल्डर्स हो गए, कुछ इस तरह का हैंड ब्रेक मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा स्पेस हो गया यहाँ पर। और ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, इसमें ब्राइट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये रहा इस कार का IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वॉइस कमांड के लिए आपको यहाँ पर माइक दिया जाता है। और ये रहा को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, इसमें ब्राइट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, और इसमें आपको कोई भी कैबिन लैंप आगे की तरफ नहीं मिलता, और कैबिन लैंप आपको मिड में मिल जाएगा हेलोजन में। और ये रही इसका आगे फ्रंट सीट हेड, और ये रही इसका आगे फ्रंट सीट, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, कुछ इस तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली है। और ये रहा इसका आगे ग्लव बॉक्स, काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है इसमें, और डैशबोर्ड पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगी आपको ग्रे फिनिश, यहाँ पर भी आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा को ड्राइवर साइड का AC वेंट, को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और स्पीकर मिल जाएगा आपको इसमें। तो वो कुछ इस तरह का था इस कार का फ्रंट सीट पर बैठ कर, जो भी फीचर मिल जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए है। तो चलिए आपको इस कार की रेयर सीट पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इतना लेग रूम रहने वाला है इस कार में, लेग रूम और हेड रूम में कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली इसमें। और रेयर सीट पर बैठ कर कुछ इस तरह का लगता है इस कार का डैशबोर्ड, जैसा मैंने आपको दिखा दिया इस कार का, यहाँ पर कैबिन लैंप मिल जाता है हेलोजन में, जिससे रेयर सीट पर काफी अच्छी ब्राइटनेस रहेगी। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके लोअर वेरिएंट में कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, और कुछ इतने साइज का रहता है बम। डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और वाटर बॉटल के लिए स्पेस, और एक स्पीकर मिल जाएगा आपको इसमें। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का था इस कार का कैबिन। अगर आपको इस कार का प्राइस जानना है आपके सिटी में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।